हेलो दोस्तों, ऑनलाइन cybercafe.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा TGT एंड PGT की वैकेंसीज निकाली गई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र में थ्री डॉट पर जाकर सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डेस्कटॉप वर्जन या डेस्कटॉप व्यू, डेस्कटॉप नाम से आपको मिलेगा। उसके सामने एक बॉक्स सा बना होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट 2022। यहाँ पर विज्ञप्ति डेटेड 8/6/2022, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 TGT एंड 02/2022 PGT। क्लिक हेयर टू अप्लाई, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर होम पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से हमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये विंडो खुलेगी। इसमें दो ऑप्शन है, पहला है TGT एंड दूसरा है PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो अभी हम सेम प्रोसेस है, आप सब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं अपना। सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अभी हम TGT के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप किस सब्जेक्ट से हैं, साइंस, हिंदी, होम साइंस, सोशल साइंस, मैथ, आर्ट, इंग्लिश। तो अभी हम संस्कृत से करेंगे। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सारे, इंस्ट्रक्शन ध्यान से आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप दोबारा एक बार सेलेक्ट चेक कर लेंगे आपका पोस्ट नेम क्या है। TGT संस्कृत के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं अभी। तो अभी हम इसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो अभी हम नाम फिल कर लेते हैं, फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, मदर्स नेम के बाद में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद में हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिड, अनमैरिड, यस नो। उसके बाद हमारा है सिटीजनशिप, इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट आप डालेंगे, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, यूपी के हैं तो आप उत्तर प्रदेश डालेंगे, अदर हैं तो अदर। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, यस नो, एक्स सर्विसमैन, नो, और आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, और आपने नेशनल लेवल स्पोर्ट में भाग लिया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। यहाँ से करेक्ट कैटेगरी चूज करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, अगर जो आप जनरल हैं तो आप EWS का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे।
मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में अगला ऑप्शन है ईमेल आईडी, यहाँ पे हम वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में नेक्स्ट कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ केयर ऑफ माय फादर नेम आ जाएगा, फादर या हस्बैंड नेम जो भी एप्लीकेबल है आपके लिए यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद विलेज या हाउस नंबर जो भी है आपका ये डाल देंगे, स्टेट पोस्ट ऑफिस ये डाल देंगे। स्टेट आपने जो पहले सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक आ गया है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पुलिस स्टेशन जो भी है आपके एरिया का वो लिस्ट में आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करना है आपको। पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद में हमारे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें हम सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, हमारा यूपी बोर्ड है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद मार्क्स या आपका CGPA वगैरह है तो ये सेलेक्ट करेंगे, ऑप्टेन मार्क्स डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और डिवीजन डाल देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा है ये, इंटरमीडिएट्स की डिटेल डालेंगे, आपने पासिंग ईयर आपकी डालनी है, रोल नंबर डालना है इंटरमीडिएट्स की, उसके बाद मार्क्स में आपके मार्क्स हैं CGPA है वो मार्क्स डालेंगे मैक्सिमम एंड ऑप्टेन, पहले ऑप्टेन डालना है फिर मैक्सिमम डालना है, उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर अभी हम संस्कृत के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट अगर जो आपने ग्रेजुएशन संस्कृत से कर रखी है फिर इक्विवेलेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने अलग कोई कोर्स कर रखा है तो आप इक्विवेलेंट पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम इसको यस कर लेते हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी हुई है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटी खुलेगी, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है इस वजह से नहीं आया, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है पासिंग ईयर और आपका रोल नंबर, तो यहाँ पे हम पासिंग ईयर डालेंगे, उसके बाद रोल नंबर डाल देंगे, उसके बाद मार्कशीट में आपकी इशू डेट लिखी होती है सबसे नीचे की तरफ में, तो आप वहाँ से मार्कशीट से देख के आप अपनी पासिंग डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर पासिंग डेट डालने के बाद में हमारे पास अगला ऑप्शन है कि आप मार्क्स हैं CGPA है आपके पास, तो हमारे पास मार्क्स है तो सबसे पहले ऑप्टेन मार्क्स डालेंगे, टोटल मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन में, उसके बाद फिर हम टोटल मार्क्स डालेंगे। टोटल मार्क्स डालने के बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बीएड की डिटेल डालनी है, बीएड की डिटेल डालने के बाद में हमें अपना, हमने बीएड कहाँ से कर रखी वो स्टेट सेलेक्ट करना है, और यूनिवर्सिटी भी ओपन होके नहीं आई है लिस्ट, तो अभी इसको हम बाद में देखेंगे। पासिंग ईयर डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, रोल नंबर डालने के बाद में आपको दोबारा बीएड की पासिंग डेट डालनी है, तो पासिंग डेट डाल देंगे यहाँ पर हम। पासिंग डेट डालने के बाद में मार्क्स सेलेक्ट करेंगे इसमें, क्योंकि मार्क्स है हमारे पास ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स हमारे हैं ये फिल कर देंगे, उसके बाद हम टोटल मार्क्स फिल करेंगे। उसके बाद अगर जो आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कैप्चर डालेंगे और वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। एक बार चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल, वैलिडेट, तो अभी हमारी ये लिस्ट खुल के नहीं आई थी,
इन्वेस्टी लिस्ट तो अब आ गई है। अब हम अपनी इन्वेस्टी सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से आपकी आपके स्टेट की जो भी इन्वेस्टी रहेगी वो सारी आ जाएगी इसमें लिस्ट में, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आप ग्रेजुएशन की और बीएड की दोनों यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड प्रीव्यू। थोड़ा स्लो है तो अभी हमारे पास, हमने इक्विवेलेंट यस कर रखा था, तो यहाँ पे हमारा प्रीव्यू आ चुका है रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे हम एक बार अपना नाम वगैरह चेक कर लेंगे। नाम चेक करने के बाद में सारे डिटेल चेक कर लेंगे, एड्रेस चेक कर लेंगे। एड्रेस के बाद में क्वालिफिकेशन वेरीफाई कर लेंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड बीएड, ये सारी चीज़ें स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर्स, ऑप्टेड मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में सबमिट पे एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा स्लो है ये, इक्विवेलेंट हमने यस कर रखा है इसीलिए हमारा ये फॉर्म अभी सबमिट नहीं हो पाया है। तो इक्विवेलेंट को हम नो कर देंगे क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिग्री है। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट को नो करेंगे, प्लीज सेलेक्ट पे आप क्लिक कर देंगे। इसमें ये जो प्लीज सेलेक्ट आ रहा है, और इसी तरह से आप बीएड में भी प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद दोबारा वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू दोबारा आ चुका है, दोबारा हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली डन हो चुका है। उसके बाद हम इसका प्रिंट ले लेंगे, आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर लीजिए, वरना आप पीडीएफ से भी पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में। उसके बाद हम क्लिक हियर टू पेमेंट फीस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा फीस की डिटेल आ गई, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट फीस मॉड्यूल, यहाँ पे हमारी डिटेल आ रही है, हम किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करें प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिट। यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल गया हमारा, तो पेमेंट गेटवे ओपन हो गया। यहाँ पर SBI इंटरनेट बैंकिंग, अदर इंटरनेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और SBI ब्रांच। अगर जो आपके पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है पे करने की, तो आप ब्रांच में जाकर भी फीस को जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टेंट फिल नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप ब्रांच जाएंगे, ब्रांच में अपनी फीस डिपॉजिट करेंगे, 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आपकी फीस अपडेट होगी, उसके बाद आप दोबारा अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे डिटेल आ गई, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, दोबारा कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कार्ड नंबर डालेंगे अपना, डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी, कार्ड होल्डर नेम, ये सारी डिटेल डाल देंगे जो भी है। उसके बाद कैप्चा डालेंगे,
कैप्चर डालने के बाद में पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल में चेक करेंगे, हमारे पास एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी फिल करेंगे यहाँ पर। ओटीपी फिल करने के बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओटीपी आने में, तो ओटीपी आ चुका है, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ये फीस हमारी पेमेंट डन सक्सेसफुली 5-10 सेकेंड्स के बाद में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे से। ये सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। इस फीस स्लिप को हम प्रिंट कर लेंगे या आप अपने मोबाइल में इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है बाद में। तो अभी हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करने के बाद में प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। और अभी हम प्रोसीड टू फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम अपनी सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद में नीचे कैप्चा है, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर हमारा सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे बॉक्स पे, और एड्रेस हमारा पहले से आ चुका है उसको हम, अगर जो हमारा अलग है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस अलग अलग है, तो हम दोनों अलग अलग फिल करेंगे। अगर जो सेम है तो हम इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो हमारा करंट एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस की तरह सेम फिल हो जाएगा। तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में नीचे आएंगे, और आप बालिका वर्ग में अप्लाई करना चाहते हैं या बालक वर्ग में, वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसमें आपका कंफर्मेशन होगा कि आपने बालिका वर्ग में या बालक वर्ग में अप्लाई किया है, तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्म का ये पूरा प्रीव्यू आ गया है, इसको हम केयरफुली एक बार चेक कर लेंगे सारे डिटेल। चेक करने के बाद में फोटो सिग्नेचर ही सारा को चेक करने के बाद में हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद में हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से ये फॉर्म हमारा सबमिट योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। और अब हम इसका प्रिंट ले सकते हैं और अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अपने मोबाइल से या पीसी लैपटॉप से टीजीटी एंड पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी का भी फॉर्म सेम है, बिल्कुल सेम, आपको सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा बस, बाकी सब सेम है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ आपको वो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।